नलतर से वापसी पर हमने रायकोट पे नाइट स्टे किया और वहाँ पे बहुत गर्मी थी। सुबह होते ही हमने जीप पकड़ी और जीप का रेट था 8,100 रुपये स्टैंडर्ड, जिसमें वो आना और जाना करती है। और उसने एक जगह पर हमें छोड़ा और वहाँ से हमें मिलता है पोर्टर और हॉर्स राइडिंग, जिसको करनी हो वो हॉर्स राइडिंग करे या ट्रैकिंग करे। हॉर्स राइडिंग का वन साइड का 2000 रेट और आने जाने का 3,500। फिर हम पहुँचे अपर पिरामिडोज और वहाँ पर हमने नाइट स्टे किया। हमने वहाँ की मॉर्निंग देखी, बॉनफायर देखा और आइए इसको हम देखें। तो ये है हमारा डेंजरस सफर जीप का, देखिए ज़रा। अब फेरी मीडोज तक जाना था तो उसको तो बर्दाश्त करना ही था। अली भाई का लास्ट जो भी है, नवान भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस तरफ बैठो तरह गाड़ी हमारा मामू आ गया राशिद और जाकर आप भी चलने देखना। जीप के सफर के बाद हमने लंच किया और अब हमने यहाँ पढ़ी नमाज। बहुत ही प्यारी मस्जिद, खूबसूरत सी। नाइट स्टे था, अब हम आए फेरी मीडोज की तरफ। जीप का सफर था, आप देख सकते हैं, कैमरा थोड़ा वहाँ दिखा रहा हूँ। बड़ा थोड़ा सा मुश्किल सफर था जीप का, लेकिन अलहमदिल्ला अब हम यहाँ पहुँचे हैं। अब हम फेरी मीडोज की तरफ ऊपर जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा लंच किया। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये मस्जिद, आइए मस्जिद देखते हैं। इस पहाड़ी पे इस ज़बरदस्त खूबसूरत सी एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, भी बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस जगह पर भी हमें नमाज़ पढ़ने के लिए एक मुनासिब सी जगह मिली हुई है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग करते हुए और हम जा रहे हैं फेरी मीडोज। अभी हमने नमाज़ पढ़ी थी पीछे जोहर की और अब हम हॉर्स राइडिंग करें। देख सकते हैं हमारे साथ घोड़ा चल रहा और ये घोड़े वाले हमें जल्दी जल्दी पहुँचा रहे हैं अपर फेरी मीडोज की तरफ। मुला मुली पीछे देख शबा तो देख, शबा देख देख पीछे देख तो मुली तुझे क्या फील हो रहा है? अच्छा जी, तो फाइनली हम आ गए अपर फेरी मेडोज में। यहाँ पे कैंपिंग भी है, बड़ा ज़बरदस्त है। हॉर्स राइडिंग के बाद इन्हीं घोड़ों में हम आए हैं, बहुत मज़ा आया। एडवेंचर डेंजरस मगर वर्दी। यहाँ पे बेहतरीन किस्म के हाउसेज भी हैं, आप बिल्कुल इनको यूज़ कर सकते हैं रिजॉर्ट्स। और बड़ा खूबसूरत मंजर है, अभी हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है और आप देखें ग्रीनरी भी है, ज़बरदस्त एक्सेलेंट, मज़ा आ गया। तो रास्ता कैसा रहा? खासा हिलता हुआ रहा, टेरिबल मुझे तो मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे मामू ने मज़ा करवाया। बहुत डेंजरस है, सोच समझ के आना। शाम के बाद एक बेहतरीन किस्म की अंधेरी रात, 10,800 फीट की बुलंदी पर, और एक अच्छी सी कढ़ाई खाने के बाद क्या ही खूबसूरत मंजर है इस बॉनफायर का। हमने बड़ा इसको एंजॉय किया, आप भी कीजिए। चलो भाई सर, सो जाओ जल्दी, फजर में उठना है। फजर में उठना क्या मतलब, तहज्जुद नहीं पढ़ोगे तुम? तहज्जुद में भी उठ जाएंगे थोड़ी देर पहले यार, अभी जिगर भी करना है। हमारा सोने का टाइम है, ये यहाँ पर मामू सोए हुए हैं, दिल के और ये अभिषेक प्रेम और मनोज। और चले बहुत बार ठंडी, आप देख सकते हैं हम सब पैक है और जबरदस्त रूम है, लकड़ी से बना हुआ। और अली फरजाद वीडियो बना रहे हैं, अली को भी हम कैमरे में ले फरजाद भाई। देखिए अली, अली हाथ हिलाओ, कैसा लग रहा है अली? ठंड तो नहीं लग रही? चले जी, सुबह मुलाकात होगी। अच्छा जी, ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ दिस फेरी मेडोज और आप देख सकते हैं कि बादल आए हुए हैं शदीद। और ये क्या ज़बरदस्त, ये अंदर से निकल कर आया अभी, पता नहीं रात में कहाँ छुपा हुआ था, अब ये अपना नाश्ता कर रहा है। और इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे मंजर मिलेंगे, ब्यूटीफुल प्लेस। ये वोरा भाई खड़े हुए हैं, ज़बरदस्त जगह, ब्यूटीफुल। ये वही रिजॉर्ट है जहाँ हम रहे थे रात में, ये कैंप्स लगे हुए हैं। अच्छा जी, अब हम अपर फेरी मेडोज पर, हमारा नाइट स्टे था, अब हम निकलने वाले हैं। थोड़ी स्टोरी पे बात करते हैं। ये शेर खान साहब हैं, ये हमें नीचे मिले थे रायकोट के स्टॉप पे और इन्होंने पूरी सर्विसेज दी हमें, फ्रॉम जीप टू हॉर्स राइडिंग। और इनकी हॉस्पिटैलिटी, इनके रिजॉर्ट्स एक्सेलेंट, रेट्स बहुत इकोनॉमिकल। जो भी आए इनसे ज़रूर रब्ता करें, स्क्रीन पे इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास आ रही होगी। बर्डियल इनके नाम से इनका सारा सेटअप है और ये इनके भाई हैं जो यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। और जनाब थोड़ी जगह के बारे में बताएं, कौन कौन से पॉइंट्स हम देख सकते हैं सामने, जहाँ से रकापोशी का व्यू नज़र आता है और फ्रंट पे नंगा पर्वत है,
नंगा पर्वत का टॉप अभी दिख नहीं रहा क्योंकि बादल आए हुए, लेकिन सुबह हमने देखा था और बड़ा जबरदस्त व्यू था। और इसके बैक साइड पर बुर्दल पीक है। तो आप में से कोई भी आए जरूर इस जगह को एक्सप्लोर करें और शेर भाई से बिल्कुल रब्ता करें। और यहाँ के लोग बड़े जबरदस्त हैं, सब तमाम एडमिन स्टाफ बड़ा ही एक्सीलेंट। दिल से शेर खान गुल शेर, पता नहीं उसके कितने नाम है। शेर हयात देखो, नदीम भाई से तोहफा दे रहे हैं फ्रॉम कराची, ताकि ये लोग भी एक अच्छे क्रिकेटर बन सके। और वापसी में हमने फोटो सेशंस के बाद कुछ हम में से किसी ने डिसाइड किया कि हम पैदल चलेंगे और वापसी हम हॉर्स राइडिंग के थ्रू नहीं जाएंगे। तो हम में से आधे लोग घोड़े पर गए और आधे लोग पैदल चले। तो आइए अब हम देखते हैं हाइकिंग हमने कैसे की। हमारे दोस्त आ रहे हैं। अच्छा जी, हम हाइकिंग करते हुए आ रहे हैं। एक बात याद रखें, जब भी आपने हाइकिंग करनी हो, चाहे अपर साइड लोअर साइड, ये खुबानी है, इसको ज़रूर अपने साथ रखें। खुश खुबानी जरदालू कहलाता है। एक अपनी पानी की बोतल और हाथ में ग्लव्स लाजमी है ताकि कहीं आपको चोट ना आए। और बस मेरे साथ अभी हैं मामू भाई इमरान और हसन वोरा और अधील, वीडियो बना रहे हैं, आपके सामने होंगे। बहुत टेढ़े हो गए होंगे। चलो अधील आगे बढ़ते हैं। सब बैठे हैं यहाँ पे और ऐसे पानी पिए। एक एक सिप पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इस डंडे ने बड़ी हेल्प की है और इस खुबानी से स्टेमिना बूस्ट होता है सांस की भूल का। तो ज़रूर अपने साथ रखिए। सामान कम से कम उठाइए। यहाँ पे मिलते हैं पॉटर जो कि सामान उठा देते हैं। हमारे सामने ये हमारे जवान, ये है देखो। क्या नाम है आपका? नकीबुल्ला भाई। मेरा बैग से आता है। मेरा बैग पकड़ा है। अच्छा जी, आचार का ताजा पानी वीडियोस के रास्ते में आता। मामा आप ही बैठ लो। चलिए जी, अब हम चलते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम फेरी मीडोज से आ गए और अलाउद्दीन भाई के साथ हम इस जीप में हमने सफ़र किया। बड़ा मज़ा आया, बहुत झूले दिए आपने हमें, क्या बात है आप, ज़बरदस्त। और डिस्क्लेमर ये है, फेरी मीडोज के लिए जगह मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं है कि इसके लिए आप रिक्स लेके आएँ। कुछ बातें, चार बातें आप नोट कीजिए। पहली बात, ये बहुत एडवेंचरस प्लेस है। और दूसरी बात, अगर किसी को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, कोई लंग्स का प्रॉब्लम है, कोशिश करें ना आए। ऊपर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, हमारे साथ एक साथी थे उनको भी प्रॉब्लम हो रहा था, केयर कोशिश करें ना आए। तीसरी बात, फैमिली अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको ना लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस प्लेस है और हमने लोगों को देखा कि अपनी फैमिली और इस खवातीन के साथ आ रहे हैं, बच्चे हाथ में हैं। और चौथी बात, के लाजमी जूते का इस्तेमाल करें, जूते के बगैर ना आए। वी सॉ पीपल जिन्होंने चप्पलें पहनी हुई थी, वेरी डेंजरस। तो ये कुछ बातें थी, बड़ा अच्छा सफ़र रहा। इंशाल्लाह फिर किसी और टूर को मिलेंगे। और वंस अगेन, अगर आप आना चाहते हैं फेरी मीडोज तो कम एट योर ओन रिस्क। इफ यू डेयर कम एट अधील, योर रिव्यूज प्लीज़। बहुत मज़ा आया यार, जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन ये है कि हाँ रिस्क है और एडवेंचर है, तो दिमाग बना के आना अगर आना हो। अली आप कुछ कहना चाहेंगे? जगह तो बहुत अच्छी थी, जिसको नेचर से प्यार हो वो बिल्कुल आए यहाँ पे देखें। हर जगह रिस्क होता है, यहाँ पर भी रिस्क है। वंस इन अ लाइफ टाइम जरूर एक्सपीरियंस। लेकिन फैमिली के साथ ना है। चले अलाउद्दीन भाई जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़।